अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी कित क्या होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में ये टेस्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, जो हमें एपरेटस टेस्ट के लिए चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सीमेंट का सैंपल है, ये वाईकाट मोल्ड है और ये मेजरिंग सिलेंडर है वाटर के लिए। वाईकाट एपरेटस है, इसमें प्लंजर लगा हुआ है 10 mm का। ये हमारे पास दो नीडल हैं, ये वाली नीडल फाइनल सेटिंग की है, 10 mm इसका डाया है, और ये इनिशियल सेटिंग की नीडल है, इसका 1 mm है, और ये हमारा बैलेंस। नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए हम जो है सीमेंट 300 ग्राम लेंगे और 32% के अंदर जो है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट हमें मालूम हो जाती है। तो बेसिकली जो है वाटर जो की क्वांटिटी जो है वो सीमेंट के अंदर उस वाटर की क्वांटिटी मालूम की जाती है, जिससे ना सीमेंट बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाए ना बहुत ज़्यादा ड्राई रह जाए। ये कंसिस्टेंसी होती है वाटर की सीमेंट के अंदर, तो ये 28 to 38 के इन बिटवीन आ जाती है। और ये हम 30% लेंगे, तो 30% सीमेंट का 30% लेंगे वाटर, तो 30% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300 हम करेंगे, तो हमारे पास वाटर का जो वेट आ जाएगा वो आएगा 90 ग्राम। उसके बाद हमें हमारा जो इसका वाईकाट एपरेटस जो आप देख रहे हैं, इसमें ये इसका प्लंजर लगा हुआ है, प्लंजर का जो डाया है वो 10 mm है। और ये टेस्ट जो है हमें 3 से 5 मिनट के अंदर, 3 to 5 मिनट के अंदर मिक्सिंग करके टेस्ट कर लेना है, ना 3 मिनट से पहले ना 5 मिनट के बाद, 3 से 5 मिनट के दरमियान में करना है। तो इसका पेनिट्रेशन 7 mm to 75 mm, जब ये पेनिट्रेट हो जाएगा मोल्ड के अंदर, इसमें सीमेंट होगा इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, तो बॉटम से 5 to 7 mm ऊपर रहना चाहिए आपका प्लंजर। ज़्यादा ऊपर रह गया तो आपको जो है इसमें वाटर की परसेंटेज मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी, और अगर डाउन चला गया तो इसका मतलब है आपको वाटर की परसेंटेज कम करनी है। तो हम सबसे पहले ये टेस्ट करके देखते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। 300 ग्राम जो है सीमेंट का वेट लेंगे, 400 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन 300 ग्राम इनफ होता है हमारा वाईकाट मोल्ड फिल करने के लिए। तो हम 300 ग्राम सीमेंट का वेट लेंगे, ये हमारा 300 ग्राम हो गया, और वाटर हम 30% के हिसाब से लेंगे, 30% के हिसाब से हमारा जो वाटर है वो 90 ग्राम होगा, 90 ग्राम हम वेट ले लेंगे वाटर का। ये हमारा वाटर का वेट आ गया 90 ग्राम। अब हम इसको सीमेंट में मिक्स करेंगे। सीमेंट के बीच में सबसे पहले हम एक होल सा कर लेंगे, इसके अंदर हम वाटर डालेंगे। अब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करने के टाइम हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे, ताकि हमारा टोटल टाइम जो है 3 to 5 मिनट के अंदर हमने ये टेस्ट फिनिश करना है। तो हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी है। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए सीमेंट की, कि कोई भी इसका पार्टिकल जो है वो ड्राई ना रह जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम वाईकाट मोल्ड को फिल करेंगे सीमेंट से, और जब हम इसको फिल कर रहे होंगे तो हमें जो है इस तरीके से फिल करना है कि कोई भी एयर वाइट्स इसके अंदर ना रहे। तो इसको पूरी तरीके से हमें अच्छे तरीके से फिल करना है, बाहर से टैप भी करना है, ताकि जो भी एयर वाइट्स इसके अंदर हो वो निकल जाए। ये हमने जब फिल हो जाएगा, ऊपर से इसका जितना भी हो रहा होगा वेट ज़्यादा, जितना भी इसकी सरफेस को हमने लेवल करना है एकदम अच्छे तरीके से, कि वाईकाट मोल्ड के लेवल पे ही हो। फिर हम प्लंजर को इसके ऊपर सेट करेंगे, बिल्कुल इसकी सरफेस के ऊपर सेट कर लेंगे, प्लंजर को टच कर देंगे, और फिर इसको हम ऊपर से रिलीज़ करेंगे, फ्री फॉल रिलीज़ करेंगे। तो हमारा ये देखें रीडिंग 5 mm से अब आ गई सी। तो हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट जो है 30% आ गई है, यानी 30% वाटर में हमारा 5 से 7 mm ये पेनिट्रेट अप किया है। अब हम बात करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम की। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है उसके लिए हमें दोबारा से सैंपल लेना पड़ेगा, इसी सैंपल में नहीं कर सकते, दोबारा से 300 ग्राम सैंपल लेना पड़ेगा, और उसका जो फार्मूला है वाटर निकालने का वो 0.85
मल्टीप्लायर भाई, जो भी आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होगा, आपको 28% भी हो सकता है, 30 भी, 32, 26, जो भी आपका परसेंटेज होगा, कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट जानना ज़रूरी है इस टेस्ट से पहले। तो 0.85 मल्टीप्लाई बाय, हमारा यहाँ 30% हमने 30 लिखा, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट हमारा सीमेंट का 300 ग्राम है, तो हमने ये लिखा, तो इससे हमारा वाटर आ गया 76.5 ग्राम। अब हमें सीमेंट में जो है 300 ग्राम सीमेंट में जो है 76.5 ग्राम वाटर ऐड करना है। उसकी निडिल जो होती है, हम प्लंजर हटा के इधर निडिल लगा देंगे, वो 1 mm की होती है, उसकी भी पेनिट्रेशन जो है 5 to 7 mm तक होनी चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा हो गई ऊपर आपकी तो आपने डिले कर दिया, अगर आपकी बॉटम तक टच हो जाती है वो, तो आप हर 10 मिनट के बाद वो इसको दोबारा जो है इस पे सरफेस पे सीमेंट की सेट करके दोबारा रिलीज़ करेंगे, जब तक वो 5 to 7 mm तक अपना हो जाए आपकी। तो ये आपकी, ये इसमें आपने टाइम नोट करना है, जब आप सीमेंट मिक्स करेंगे वो टाइम ले, उस टाइम से जब आपकी ये निडिल जो है 5 to 7 mm पर आ जाए, जब तक का आपने टाइम नोट करना है। ये तकरीबन 30 मिनट के अब अराउंड ही होता है। तो अब हम इस टेस्ट के बारे में, ये टेस्ट करके देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अब हम इसको थर्ड टाइम टेस्ट कर रहे हैं, तो हम इसको निडिल को हमारी जो है, ये हमारी आ गई 5 mm से अबव हो गई, तो अब हम जो है इसका इनिशियल टाइम जो है वो हम अपने पास नोट कर लेंगे 30 मिनट्स का। अब हमें मालूम करना फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो हम निडिल लगाएंगे इसमें, उसका डाया होता है 5 mm, और उसका जो है इम्प्रेशन, नहीं इम्प्रेशन जो है, जब हम सीमेंट की सरफेस पे उसको रख के रिलीज़ करेंगे तो सीमेंट पे उसका इम्प्रेशन बनेगा। जब तक उसका इम्प्रेशन बनता रहेगा, जब तक हमारा फाइनल सेटिंग टाइम कंप्लीट नहीं होगा। जब उसका इम्प्रेशन बनना बंद हो जाएगा, तब हमारा फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। तो हम जब इम्प्रेशन बनना बंद हो जाएगा, हम उसका टाइम नोट कर लेंगे। तो ये दोनों के लिए टाइम नोट ज़रूरी है, टाइम ही आपको मालूम करना है कि कितने टाइम में आपका इनिशियल सेटिंग टाइम है और कितने टाइम में आपका, आपको फाइनल सेटिंग टाइम जो है सीमेंट की मिलती है। तो मेन चीज़ ये आपको मालूम करनी है इसकी। तो फाइनल सेटिंग टाइम के लिए आप 2 आवर्स के बाद से टेस्ट परफॉर्म करें, क्योंकि 3 आवर्स के अराउंड जो है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होना शुरू होता है। तो आप 2 आवर्स के बाद उसको इसी तरीके से सरफेस से टच करके और फिर रिलीज़ करना है, उसका इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। तो चलें देखते हैं किस तरीके से हम फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब हम फाइनल सेटिंग में आप देखेंगे कि ये हम इसको जैसे रिलीज़ करेंगे तो इसके ऊपर एक इम्प्रेशन बन जाएगा। ये देखें आप, ये इम्प्रेशन आपको नज़र आ रहा है, ये बन गया, ये नहीं बनना चाहिए। इसी तरह हम चेक करते रहेंगे 20 20 मिनट के बाद, 20 20 मिनट्स के बाद, जब हमारा इम्प्रेशन बनना बंद हो जाएगा तो हमारी वो फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगी। ये हम दोबारा कर रहे हैं, हमने रिलीज़ किया, अब हम देखेंगे इस पे इम्प्रेशन बना या नहीं बना, हम चेक करेंगे। तो इस पे हमारा इम्प्रेशन जो है नहीं बना। तो ये जो हमारा टाइम होगा, इस टाइम को जो है हम अपने पास नोट कर लेंगे, हमारा फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। तो गाइस, हमारी यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम आई है 230 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स 50 मिनट। तो सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।